यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने वचन पत्र जारी किया। इस मौके पर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे। पार्टी ने हर वर्ग, खासतौर से किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस किया है। उसे 101 गारंटी दी है। कांग्रेस सरकार में आई तो वो मध्य प्रदेश से आईपीएल के लिए टीम बनाएगी। बेटियों के विवाह में 1 लाख की मदद की जाएगी। राजस्थान की तर्ज पर 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी करेगी। खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ योजना भी लाई जाएगी। तो अपने घोषणा पत्र में ये तमाम बातें कही गई, जिसमें खास तौर से महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए उन्हें खासी तवज्जो दी गई। वचन पत्र में 101 गारंटी मुख्य दी हैं, जिनमें युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों पर फोकस किया गया है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहे। 10 लाख की रुपए की दुर्घटना बीमा का भी वादा इस वचन पत्र की गारंटी में किया गया है। खिलाड़ियों को पदक लाओ योजना भी लाई जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस ने महिलाओं के लिए खास तौर से कई बातें इस वचन पत्र में कही, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई बात, महिलाओं की, बच्चियों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, ये तमाम बातें इस वचन पत्र में कही गई। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। ये मेरा मिशन है और ये मेरा वचन है। स्वास्थ्य का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। ये हर परिवार आज स्वास्थ्य व्यवस्था से पीड़ित है। लोगों को मकान बेच देना पड़ता है इस जब स्वास्थ्य की चुनौती आती है। तो स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाएंगे और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएंगे। इससे हर परिवार जुड़ा है और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा प्रदेश के लिए। बेटी विवाह योजना में हम 1,01,000 रुपए की सहायता देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1200 रुपए करेंगे। पहले हमने कहा था 1000 रुपए, मैंने 300 रुपए से 3 महीने में 600 रुपए करा। जब मैं 1000 रुपए करने वाला था हमारी सरकार नहीं गई। अब मैं कह रहा हूं कि हम 1200 रुपए करेंगे। मेरी बेटी रानी योजना में बेटियों को जन्म से उनके विवाह संस्कार तक रुपए 2,51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। हमारी आईपीएल टीम है, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। हम प्रोत्साहित करेंगे कि खिलाड़ियों को के लिए पदक लाओ, पद पाओ, पदक लाओ, करोड़पति बन जाओ और पदक लाओ, कार पाओ योजना हम शुरू करेंगे, ताकि उनको इसमें हम पुश कर सकें। आईपीएल टीम भी हो, मेट्रो आ रही है, आईपीएल टीम क्यों ना आए। आईपीएल टीम का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। हम शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 4 समयमान वेतन देंगे। संविदा व आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हम न्याय करेंगे। आउटसोर्स वालों को कोई प्रोविडेंट फंड नहीं। दिखाया जाता है कि उनको इतने पैसे मिलते हैं आधा, इसमें कोई आरक्षण नहीं। तो आउटसोर्स शब्द बहुत अच्छा है, पर आउटसोर्स में क्या सुधार लाना है। हम आउटसोर्स की जो संस्थाएं हैं उनसे बैठ के बात करेंगे, जो आउटसोर्स के एम्प्लॉयज हैं उनसे बैठ के हम बात करेंगे। आमजन को 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। वे 9 अधिकार और गारंटियां इस प्रकार है। जल का अधिकार,
स्वास्थ्य का अधिकार, बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद का अधिकार, आवास का अधिकार, न्यूनतम आय का अधिकार, रोजगार की गारंटी और सामाजिक न्याय का अधिकार है।